फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा माधव कलेक्शन। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिजाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहना कर दिखाती हूँ। या मैंने देखिए कान्हा जी को ले लिया, ऐसे हमें चोली पहनानी है और फिर नीचे की तरफ से हमने ये टिप टैप बटन लगाया है, इसको हम बंद कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कान्हा जी को ये सुंदर सी ड्रेस पहनाई है और आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। पीछे की तरफ से भी मैं आपको ड्रेस का लुक दिखा देती हूँ। पीछे से ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है, मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना और कान्हा जी को पहनाना भी बताया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है राधा माधव कलेक्शन 555। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिजाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे कॉटन के फैब्रिक में से दो पीस कट कर लिया है। मैंने कॉटन का कपड़ा यूज किया क्योंकि हम कान्हा जी की समर स्पेशल ड्रेस बना रहे हैं और गर्मी में कॉटन के कपड़े से बनी हुई ड्रेसेस कान्हा जी के लिए बहुत ज्यादा आरामदायक रहती है। आप चाहें तो इसकी जगह पे अस्तर या रेयॉन का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। तो इसके देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 8 इंच यानी कि 8 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच रखी है। दोनों ही पीसेस का मेजरमेंट मैंने एकदम बराबर रखा है। ये मेजरमेंट मैंने 4 नंबर के कान्हा जी के लिए रखा है। अब 0 से लेकर के 10 नंबर तक के कान्हा जी के लिए मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। 0 नंबर के कान्हा जी के लिए 4 इंच के कपड़े की लंबाई होगी। 1 नंबर कान्हा जी के लिए 5 इंच, 2 नंबर कान्हा जी के लिए 6 इंच, 3 नंबर कान्हा जी के लिए 7 इंच, 4 नंबर कान्हा जी के लिए 8 इंच, 5 नंबर कान्हा जी के लिए 9 इंच, 6 नंबर कान्हा जी के लिए 10 इंच के कपड़े की लंबाई होगी। 7 नंबर कान्हा जी के लिए 11 इंच के कपड़े की लंबाई होगी। 8 नंबर कान्हा जी के लिए 12 इंच, 9 नंबर कान्हा जी के लिए 13 इंच और 10 नंबर कान्हा जी के लिए 14 यानी कि 14 इंच की आपको कपड़े की लंबाई रखनी है। अब हम चौड़ाई देख लेते हैं। तो 0, 1 और 2 नंबर कान्हा जी के लिए 3.5 यानी कि 3.5 इंच की चौड़ाई होगी। 3, 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए 4.5 यानी कि 4.5 इंच की कपड़े की चौड़ाई होगी। 6, 7 और 8 नंबर कान्हा जी के लिए 5.5 यानी कि 5.5 इंच की कपड़े की चौड़ाई होगी और 9 और 10 नंबर कान्हा जी के लिए 6.5 इंच यानी कि 6.5 इंच की कपड़े की चौड़ाई रखनी है। तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, जिसे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और किसी भी नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाकर उनको आसानी से पहना सकते हैं। अब हम ड्रेस बनाना कंटिन्यू करते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले हम एक पीस सीधा करके रखेंगे और जो दूसरा पीस है इसकी सीधी वाली साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। ऐसे पलट कर हम कपड़े को बराबर करके रखेंगे। अब हमें एक बार बीच में से ऐसे फोल्ड करना है, फिर हम एक बार और फोल्ड करेंगे। तो टोटल 2 बार मैंने फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद अब आप देख सकते हैं इधर से ये फोल्डेड वाली साइड है और इधर से ये ओपन वाली साइड है। तो सबसे पहले हम नेक की कटिंग करेंगे। आप चाहें तो मार्क करके भी कट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा नेक हमें शुरू में कट नहीं करना है क्योंकि हम इसके चारों तरफ से जब सिलाई लगाएंगे तो ये अपने आप और बड़ा होगा। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए मार्किंग भी कर ली है और अब हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हमें किनारे की तरफ से भी इसको कट करना है। तो यहाँ नीचे से देखिए हम मेज़र करेंगे। ये जो फोल्डेड वाली साइड है इधर से हमें मेज़र करना है और 0.75 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। मैं आपको बता दूं, देखिए ये 0.5 इंच है, ये 1 इंच है, तो इसके बीच का जो ये वाला हिस्सा है इसको हम 0.75 इंच यानी कि 0.25 इंच कहते हैं। अब ये जो हमने मार्किंग की है यहीं से हम गोलाई देंगे। सीधा कट नहीं करना है हमको, गोलाई देना है ऐसे। तो मैंने एकदम ऊपर तक नहीं दिया है, यहाँ से ऐसे देखिए गोलाई दे दी है और अब हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद जब हम ओपन करेंगे तो ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, नेक के चारों तरफ से हम सिलाई लगाएंगे। तो हमें डबल सिलाई लगानी है जिससे कि ये मजबूती के साथ जॉइंट हो जाए। मैंने देखिए सिलाई लगाकर नेक के चारों तरफ से इसको लॉक कर लिया है और अब हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे। कट लगाने की वजह से इसको पलटने में भी आसानी होगी और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। पर हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो हमने सिलाई लगाई है वो नहीं कटनी चाहिए क्योंकि अगर सिलाई कट गई तो ड्रेस खराब हो जाएगी।
कट लगाना स्किप ना करें, ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर आप कट्स नहीं लगाते हैं ना तो फिर आपको ड्रेस पलटने के बाद अच्छी फिनिशिंग नहीं मिलेगी और लुक भी उतना अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने चारों तरफ से देखिए कट्स लगा लिए हैं और अब हम इसको पलट कर सीधा करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये जो ऊपर वाला पीस है इसको हम लेंगे और ये नेक के अंदर ऐसे डालेंगे, फिर पीछे की तरफ से हमें ऐसे पलट लेना है। बहुत ही ईजिली देखिए नेक के अंदर से हम इसको निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सीधा करने के बाद भी आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, कट लगाने की वजह से इसको ना ही पलटने में कोई दिक्कत हुई है और पलटने के बाद फिनिशिंग भी बहुत परफेक्ट आई है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है, तो हम दोनों ही पीसेस को फोल्ड करते हुए फिर सिलाई लगाकर लॉक करेंगे। तो ये जो नीचे वाला पीस है एक बार हमें इसको फोल्ड करना है, फिर जो ऊपर वाला पीस है एक बार इसको फोल्ड करेंगे। अब इन दोनों ही पीसेस को एक के ऊपर एक करके रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही फोल्ड करते हुए हमें दोनों तरफ से सिलाई लगाकर लॉक करना है। अगर सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बाद में हम उसको परफेक्ट शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों ही तरफ से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली और आप देख सकते हैं मैंने दोनों ही पीसेस को एक एक बार फोल्ड करके फिर सिलाई लगाई है, जिसकी वजह से इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ से बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। अब हमें लेस लगानी है, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है, क्योंकि हमने सर्कल में कट किया है ना, तो जब हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो अब इसको सही करने के लिए हम इसमें लेस लगाएंगे, जिससे कि किनारे से ये जो टेढ़ा हुआ है वो पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने ये वाइट कलर की थ्रेड लेस ले ली है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लेस और मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगी, काफी सस्ती आती है, 2 से 3 रुपए मीटर मिलती है। साथ ही साथ आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, मैंने ऑनलाइन ही ये वाली लेस मंगाई थी और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ अगर आप इसको व्हाइट कलर में लेते हैं ना तो किसी भी कलर के फैब्रिक के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए हम लेस रखेंगे और इस तरीके से इसको यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। लेस लगाने के बाद अब लास्ट में हम इस ड्रेस में टिप टैप बटन लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये एक टिप टैप बटन ले लिया है, इसको हम ऐसे ओपन कर लेंगे। एक पीस हमें देखिए यहाँ पर लगाना है और जो दूसरा पीस है वो हम यहाँ पीछे की तरफ से लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो टिप टैप बटन की जगह पे हुक या वेलक्रो भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास टिप टैप बटन ना हो तो। टिप टैप बटन लगाने के बाद अब हमारे कान्हा जी की ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।